टू बी ऑनेस्ट कुछ सोचा ही नहीं था, मतलब उतना, मतलब लोगों का होता है बचपन से ही सोच के रखते हैं, मेरा वैसे कुछ था नहीं, जो होगा वो होगा, मतलब बचपन से सोच के क्या बोलते हैं डॉक्टर एस्ट्रोनॉट ये वो ये वो, होता तो नहीं है, मतलब 100 में से 1000 में से एक बनते हैं वैसे एस्ट्रोनॉट वगैरह, ऐसे अनरियलिस्टिक ये नहीं थे, ऑल्दो अनरियलिस्टिक नहीं है, करने को तो कुछ भी अचीव कर सकते हो, बट तभी ऐसे कुछ था नहीं दिमाग में बचपन से ही, बस गो विद द फ्लो ही चल रहा है। मुंबई में एक्चुअली बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई, बचपन में ये सब मोबाइल वोबाइल तो कुछ था ही नहीं, जो भी था आउटडोर गेम्स थी सारी, अलग ही लाइफ थी, वो ज़माना ही अलग था, बहुत ही मार खाया बचपन से ही, डंडे खाए पढ़ो और खेलने मत जाओ, पर वो धीरे धीरे बड़े होते गए तो थोड़ा समझदार, फिर कि मारने की उम्र निकल गई, अभी मार के समझाने वाली उम्र नहीं, फिर धीरे धीरे हम भी सुधरने लगे थोड़े। सब्जेक्ट फेवरेट 10th तक मेरा मैथ्स था, पर 11वीं में जो वाट लगाई ना पूरा ही पलट गया, मतलब तो फेवरेट से एकदम हेटरेड हो गया मैथ्स की तरफ। ऐसा कुछ स्पेसिफिक याद है जिससे कुछ कुछ ज़्यादा ही नफरत थी? इंटीग्रेशन और वो जो भी था फुल मतलब दिमाग से बाहर, डिफरेंशिएशन। हाँ वो तो पूरा चैप्टर ही छोड़ दिया था। एक्चुअली पबजी के पहले एक गेम थी फ्री फायर नाम से, वो मेरे सोसाइटी में एकदम पबजी जैसी ही थी, हम लोग सोसाइटी में बैठ के नीचे खेलते थे वो गेम, मी एंड माई फ्रेंड्स, एंड आई रिमेम्बर उसके ग्राफिक्स ठीक ठाक थे उस टाइम, और पबजी मोबाइल तभी नया गेम आया था, जो एकदम ही मैं देखते ही मैंने देखा भाई बहुत ही नेक्स्ट लेवल ग्राफिक्स है, मतलब उससे कंपेयर्ड, तो मैंने देखा मतलब ट्राई करते ही है, और तभी मेरे दोस्त लोग दे स्टक टू फ्री फायर वही गेम, एंड आई स्टार्टेड प्लेइंग दिस, एंड वो लोग भी बोलते थे क्या फालतू गेम है बॉट लोग है, क्योंकि बिकॉज Bronze 5 में सारे बॉट्स आते थे, एंड फ्री फायर वॉज लाइक सारे ही रियल बंदे आते, एक भी बॉट्स नहीं उसमें, सो दे फेल्ट वो ज़्यादा कंपिटेटिव है, ज़्यादा मज़ा आता है, तो ये धीरे धीरे इसमें रैंक बढ़ते गया और रैंक पुश चालू हुआ, एंड गेम में ही जो भी आज दोस्त है सब हम लोग गेम के थ्रू ही मिले थे, जो कम्युनिटी बनी है, तो रैंक पुश का तब वो चल रहा था, तो सब टॉप 100 में थे हम उस टाइम, एंड दैट्स द वे सब मॉर्टल एंड सबसे वैसे ही मिले थे हम, फ्रेंड ऑफ फ्रेंड, तो एक दूसरे को नाम से पहचानते थे, एंड वी स्टार्टेड प्लेइंग टुगेदर एंड दैट्स हाउ इट बिगैन। एक्चुअली तब आई गेस सीज़न 3 चल रहा था, एंड उसी सीज़न में मॉर्टल 3rd रैंक पे गया था एशिया में, एंड मैं रौनक और हम सब तभी टॉप 100 में थे, एंड वी न्यू ईच अदर बाई ईच अदर, मतलब अलग अलग क्लैंस में थे बट एक दूसरे को नाम से जानते थे, एंड साथ में खेले भी थे, तभी लोग जानते नहीं थे हमें, एंड दे यूज़ टू लव नोवा आइकॉनिक पॉटेड, सो थोड़ा नेगेटिवली हमारी तरफ ये हुआ कि ये लोग कौन है, ये लोग क्यों, बट एंड ऑफ द डे मॉर्टल का डिसीजन था कि वो स्ट्रीमर एज अ स्ट्रीमर तो उसे खेलना था, बट उसको कॉम्पिटिटिव में तभी इंटरेस्ट था, एंड ही सॉ द पोटेंशियल हमने कैसा परफॉर्म किया, तो उस बेसिस पे ही चोज द लाइनअप, एंड तभी हमने परफॉर्म किया, एंड तभी लोग ने एक्सेप्ट करना शुरू किया परफॉर्मेंस हमारी देख के, एंड देन इन मुंबई एक इवेंट हुआ था DreamHack, वहाँ पे हमारी टीम फॉर्म हुई थी, एंड फर्स्ट गेम तो याद नहीं बट फर्स्ट डे पे आई रिमेम्बर हम लोग ने एक चिकन डिनर निकाला था, विच वॉज़ लाइक हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात थी वो, बिकॉज एज कम्पिटिटिव प्लेयर्स हम पहली बार उस मैदान में उतरे थे, तब तक हम क्लासिक्स बेसिक खेलते थे, तो ये लेवल का कॉम्पिटिशन उस टाइम पे पहली बार फेस करने मिला, और उसमें गेटिंग अ चिकन डिनर वॉज लाइक हम लोग 7वें आसमान पे, अरे फर्स्ट गेम ऐसे जीता था हम लोग ने, एंड मनी वॉज इन्वॉल्व, सो वो फर्स्ट हमारा कॉम्पिटिशन भी वो बड़े लेवल पे था, तो खुशी भी थी वो कि चलो कुछ तो जीत के जा रहे हैं, तब से एक्चुअली कॉम्पिटिटिव का आइडिया हमें तब आया कि ऐसे कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं पबजी में, वरना तब तक हम सिर्फ कैजुअली खेलते थे रैंक पुश के लिए एंड कॉन्करर की फ्रेम के लिए खेलते थे बस, तो दैट्स हाउ इट बिगैन, पहले लोग नहीं जानते थे एंड दे यूज टू थिंक कौन है ये लोग, क्यों खेल रहे हैं, ब्रिंग देम बैक, सो एंड ऑफ द डे कम्युनिटी है, हम सब दोस्ती है, साथ में ही खेलते हैं, बट लोगों के मन में ऐसा रह जाता है, सो वहीं से शुरू हुआ, एंड फिर हमने खेलना जीतना शुरू किया, तो लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू किया कि यस दीज गाइज आर गुड। एक तो एटमॉस्फेयर की बात करें तो घर पे जो खेलते एकदम शांति में हेडफोन्स डाल के चिल होके खेलते, वहाँ पे नॉइज़ कैंसलेशन हेडफोन्स थे, बट फिर भी जो क्राउड का नॉइज़ और कमेंटेटर्स का आवाज़ वो पूरा ही
हेडफोन्स के अंदर भी आवाज़ आ रही थी, कम्युनिकेशन में डिफ़िकल्टी बिकॉज चारों साथ में बैठे हैं, माइक एक दूसरे के एको होते थे तो माइक की ध्यान रखना पड़ता था हमें। प्रेशर कम होता है बट जो क्राउड का सपोर्ट था वो बहुत बूस्ट मिलता उससे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज हमने देखा जो क्राउड जो चीयर कर रहा था इंडिया में ही, उसकी वजह से जो परफॉर्मेंस पे हमारे डिफरेंस पड़ रहा था, जो हमें इतना बूस्ट मिला, हमने पीएमएससी में भी देखा था जो एक ताइवान की ही टीम थी उनको इतना सपोर्ट मिल रहा था एंड दे आर परफॉर्मिंग रियली गुड। तो सीन वो हो जाता है कि मेंटली अफेक्ट करता है ये सब चीज़, पॉजिटिवली अफेक्ट करता है हमें, बूस्ट मिलता है उसको, मोरल बूस्ट मिलता है एंड यू वॉन्ट टू डू दैट एंड यू वॉन्ट टू गेट दो स्किल्स एंड यू वॉन्ट टू गेट दैट चिकन डिनर फॉर देम। टूर्नामेंट्स में एक चीज़ बहुत कॉमन होती है सब टीम्स के साथ, सब लोग इतना प्रोन क्यों करते हैं? एक्चुअली देखोगे तो टूर्नामेंट्स में कोई भी वो रिस्क नहीं लेना चाहेगा बिकॉज एक मैच से पूरा पलट सकता है जो भी सीन है, तो दे ट्राई टू प्ले इट सेफ बिकॉज एंड में अगर सर्वाइव एंड तक चारों बंदे जिंदा होंगे तो एंड में चिकन डिनर निकालना थोड़ा ईजी पड़ सकता है, अगर अर्ली लॉस हो गया फाइट्स में तो एंड में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। सो दैट्स द ओनली रीज़न आई थिंक लोग स्टार्टिंग में थोड़ा पैसिव खेलते हैं, बिकॉज एंड ऑफ द डे यू आर प्लेइंग टू सर्वाइव एंड सर्वाइव करोगे तभी एंड में किल्स लेके चिकन डिनर निकाल पाओगे। आई थिंक इट डजेंट मेक अ डिफरेंस कितने थंब पे कितने फिंगर से खेल रहे हो, बेसिकली आपका गेम प्ले कितना फास्ट है, कितना आप कर सकते हो, लाइक मैक्स पोटेंशियल क्या है, टू थम्स में भी उतना पावर है कि आप टेक डाउन कर सको, ऐसा नहीं है कि सामने फोर फिंगर वाला बंदा आ गया तो ईजिली मार के चला जाएगा टू थम वालों को। इट्स ऑल अबाउट स्ट्रैटेजी एंड दिमाग का खेल है, बट टू थम्स आई थिंक काफ़ी लोग बोलते हैं कि इज वीक एंड आई डोंट थिंक सो, बिकॉज टू थम्स से ही खेला है एंड खेलते रहूँगा बिकॉज दैट्स द वे आई एम कम्फर्टेबल विथ। क्लोज रेंज फाइट्स आर अबाउट एम, और एम अगर हेड पे रहा तो यू कैन टेक डाउन द एनिमी। Oh my god, dead. He's got dead. एक्चुअली ये बात है, मैं बचपन में WWE बहुत देखता था एंड उसमें मेरा फेवरेट था रैंडी ऑर्टन एंड उसका निकनेम था वाइपर, उसको वाइपर बुलाते थे एंड वहीं से मतलब वही मेरी जो भी गेम्स खेलता था मैं काउंटर स्ट्राइक वगैरह उसमें भी वाइपर ही नाम डालता था, तो वहीं से कंटिन्यू लेगेसी कंटिन्यू करी वाइपर। सो ड्राइविंग की तो बात ही ना करें, कोई कंपिटिटिव में गाड़ी को हाथ नहीं लगाता मैं, बिकॉज आई नो एक बार गाड़ी हाथ में आ गई फिर निकल ही जाती है, मैं ना तो गाड़ी में किसी को बिठाता हूँ, जब एकदम ही एक्सट्रीम नेसेसिटी पड़े कि चार लोगों को चार गाड़ी लेनी है तब मैं अपनी गाड़ी चलाता हूँ। अब हालांकि ड्राइविंग थोड़ी सुधर गई है बट क्लासिक्स में तो मैं भाई ब्रेक ही नहीं लगा था, जो दिखा उड़ा। ओ भाई पीछे M249 कवर दे अबे यार नहीं ओ अबे लॉक हो गया। ओ भाई ओपी क्या भाई हेट किसको नहीं मिलती है, सभी को मिलती है एक्चुअली, बट उसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, हेटर्स को अपने सपोर्टर्स में कैसे कन्वर्ट करें
एक्चुअली या तो जो एकदम ही हेट है या तो हेट इग्नोर करो या तो फिर अपना ही करते रहो, जो सपोर्टर्स है उन पे ध्यान दो। आई थिंक आई'ड लाइक टू कंटिन्यू, मतलब कॉम्पिटिटिव से ही मैंने शुरू किया था अपनी जर्नी एंड यूट्यूबर तो बाद में बना, पहले PMIS जीता था एंड उसके बाद मैंने यूट्यूब शुरू किया था। सो आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी अ कॉम्पिटिटिव प्लेयर एंड आई विल कंटिन्यू, एक अच्छी टीम फॉर्म करके विल बी बैक एंड देखते आगे, मज़ा आने वाला है। सारे इंडियन कॉम्पिटिटिव प्लेयर का वो ड्रीम है कि इंडिया का नाम टॉप पे रहे ग्लोबल टूर्नामेंट्स में एंड एवरी वन इज़ गिविंग देयर बेस्ट। सो आई होप इस बार इंडिया से एक ऐसी टीम जाए जो वर्ल्ड में टक्कर दे सके। मेरी माँ पहले मतलब बिल्कुल ही नहीं देखती थी, आज अब जब भी मैं स्ट्रीम करता हूँ एवरी स्ट्रीम माई मॉम इज़ सिटिंग ऑन द सोफ़ा पीछे ही, और रात को कितने ही बजे तक, दो दो तीन तीन बजे तक चलती है, मेरी मॉम देखती है रोज़ बैठ के। आपको अगर मन है किसी चीज़ में तो वही करना, बिकॉज जो चीज़ में मन नहीं वो चीज़ आप कर नहीं पाओगे, हाफ हार्टेडली करोगे। सो मुझे इसमें ऐसा है कि मैं पूरा दिन भी खेल लूँ, कस्टम्स वगैरह कुछ भी करा लो, पूरा दिन खेल लूँगा, पूरे मन से खेलूँगा एंड पूरी मेहनत कर लूँगा इसमें जो भी रिक्वायर्ड होगी। एक ही मैसेज है बस गाइस, आज तक इतना सपोर्ट करते आए हो, आई होप यू विल कीप सपोर्टिंग मी एंड वी विल कीप डिलीवरिंग। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस इंटरव्यू एंड अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना एंड और भी मैंने चैलेंजेस किए हैं, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू वन अप गेमिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।